करिए आपको जो फिर चलिए चलिए जैसे जैसे तेलंगाना के चुनाव पास आते जा रहे हैं, राजनीति में घमासान मचता जा रहा है और बीजेपी और ओवैसी की पार्टी अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। और अब आंख में घी तब डला जब यहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर जब वो चर्चा में आ गई अपने चुनावी रैली के दौरान, जब उन्होंने एक पुलिस वाले को खुलेआम धमकी दे डाली। उनका कहना है कि यहाँ पर ये हमें रोकने आए हैं क्योंकि दूसरे विपक्ष पार्टी का कैंडिडेट तो यहाँ पर नहीं चलता, तो यहाँ पर इस जरिए से हमें रोकने की कोशिश की जाती है। भरी सभा में उन्होंने पुलिस अधिकारी को कहा कि अगर अभी मैं भीड़ से कह दूं तो वो तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। इसके बाद बीजेपी रोष में आ गई और देखा गया कि बीजेपी अब चाहती है कि बड़ा एक्शन असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर हो। और यहाँ पर बीजेपी इस बात की मांग को लेकर चुनाव आयोग तक जा सकती है। ये अटकलें लगातार सामने आ रही हैं, रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है कि बड़ा एक्शन बीजेपी लेने को तैयार है, क्योंकि इस पूरे विवाद के ऊपर बीजेपी ने कहा था कि अगर तेलंगाना में अगर बीजेपी होती तो यहाँ पर बुलडोजर वाला एक्शन होता, जैसा एक्शन यूपी और मध्य प्रदेश में देखा गया। तो लगातार मतदान से पहले बीजेपी और ओवैसी की पार्टी आमने सामने है, लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। और अब यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी की इस वीडियो के बाद, इस क्लिप के बाद विवाद और बढ़ गया है। तो क्या यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन होगा, क्या यहाँ पर केंद्र सरकार इस विवाद को लेकर बीच में आएगी, क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है अगर हमारी पार्टी हो और जनता हमको मौका दे तो इसके ऊपर बुलडोजर वाला एक्शन हो जाएगा, यानी अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बुलडोजर वाला एक्शन बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आएगी।